दोस्तों ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए बम्पर भर्तियां निकली है। बड़ी भर्ती है ये, इंजीनियर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्ती है 1,12,000 तक सैलरी ग्रुप ए पोस्ट के लिए है और 92,000 तक ग्रुप बी पोस्ट के लिए है। एज की बात करें तो ग्रुप ए के लिए 21 से 44 के बीच में है और ग्रुप बी के लिए 18 से 44 के बीच में है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डेट है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए टिप टॉप न्यूज हिंदी चैनल को और बेल आइकन दबाए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए APDCL रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी देख लेते हैं। असम में भर्ती निकली है, 172 टोटल इसमें वैकेंसीज है। असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी कि APDCL या असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड AEGCL या असम पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इसमें भर्ती निकली है। ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर जूनियर मैनेजर और मेडिकल ऑफिसर्स की इसमें पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ये तीनों अलग अलग है, APDCL.org, AEGCL.co.in और APDCL.org ये इसकी वेबसाइट है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती निकली है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, 31 अगस्त को ये ऑफिशियल नोटिस इसकी पब्लिश हुई है। असिस्टेंट मैनेजर मेडिकल ऑफिसर और जूनियर मैनेजर के पद है। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की 5 सितंबर 2018 है और लास्ट डेट अप्लाई करने की 25 सितंबर 2018 है। यहाँ पर इसकी डिसिप्लिन भी आप देख सकते हैं। ग्रुप ए के अंदर आती है असिस्टेंट मैनेजर की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल एनर्जी ह्यूमन रिसोर्स लॉ मेडिकल ऑफिसर की भी पोस्ट है। ग्रुप बी के अंदर आती है जूनियर मैनेजर की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT। उसके बाद ग्रुप ए की कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप यहां पर देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी साथ के साथ सभी पोस्ट के लिए दी हुई है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए यहां पर कंपनी के नेम दिए हुए हैं जैसे कि APDCL, AEGCL और APGCL। अलग अलग कंपनी में UR कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी है। OBC या MOBC, SC, ST, सभी के लिए यहां पर अलग अलग वैकेंसी है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 52 है APDCL कंपनी में, AEGCL और APGCL कंपनी में 34 और 6 है। असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल के लिए 9 है और 4 है 6। टोटल बात करें तो इसमें ग्रुप ए के लिए 168 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं अलग अलग सभी के लिए दी हुई है। b.tech है यहाँ पर भी, b.tech फुल टाइम MBA, PG DBM, PG DM, ग्रेजुएट इन लॉ, MBBS मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए MBBS है। ग्रुप बी की बात करें तो इसके लिए भी अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। SC, ST, PWD कंपनी के नेम यहां पर दिए हुए हैं। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा होना अनिवार्य है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। वैकेंसी की बात करें तो जूनियर मैनेजर के लिए APDCL पोस्ट के लिए 55 वैकेंसीज है। AEGCL में 16 है, APGCL में 5 है। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए इसी तरह 6, 4, 12। जूनियर मैनेजर सिविल के लिए 5 है, ये ओनली APGCL में है। APDCL में जूनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 5 है। तो टोटल ग्रुप बी के लिए 108 पोस्ट है और क्वालिफिकेशन सभी के अलग, डिप्लोमा यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और जूनियर मैनेजर सिविल के लिए डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर में। जो भी डिसिप्लिन है उसी के हिसाब से यहाँ पर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। एज की बात करें तो ग्रुप ए कैटेगरी पोस्ट के लिए 21 से 44 ईयर्स के बीच में एज है एज ऑन 1/1/2018 के अंतर्गत। ग्रुप बी के लिए 18 से 44 है 1/1/2018 के अंतर्गत। एज में छूट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 47 हो जाएगी यहाँ पर OBC MOBC कैंडिडेट्स के लिए और 49 हो जाएगी SC ST कैंडिडेट्स के लिए और 45 हो जाएगी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ₹500 एप्लीकेशन फीस है जनरल OBC MOBC कैंडिडेट्स के लिए और ₹250 है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स को फीस इसमें जमा नहीं करनी है। सिलेक्शन की बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा इसमें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर पेपर फर्स्ट में जनरल इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड है 100 मार्क्स है, 3 घंटे का टाइम है। पेपर सेकंड है इसमें कोर सब्जेक्ट 100 मार्क्स है इसी के लिए। जूनियर मैनेजर के लिए भी पेपर फर्स्ट सेकंड जनरल इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज है, कोर सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स है और 3 घंटे का टाइम है। सिलेबस आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड हो चुका है। क्वेश्चन पेपर भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर सिलेबस के लिंक्स हमने यहाँ पर अपडेटेड कर दिए हैं। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इस पेज पर विजिट करके यहीं से सिलेबस देख सकते हैं, पूरी जानकारी देख सकते हैं और अप्लाई भी इसी पेज से कर सकते हो। सिलेबस है पेपर 1, 2
फर्स्ट सेकंड सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। ये अपकमिंग पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए सभी लिंक दिए हुए हैं और जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए सभी लिंक दिए हुए हैं। इनको आप पीडीएफ में ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पेपर फर्स्ट जनरल इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड के लिंक पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सिलेबस ओपन हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग सिलेबस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसी तरह सभी के चेक कर सकते हैं। उसके बाद सैलरी की बात करें तो ग्रुप ए कैटेगरी के लिए देख सकते हैं 37,300 से 1,12,000 सैलरी दी जाएगी, 14,200 ग्रेड पे होगा। और जो कैटेगरी बी है उसके लिए 25,000 से 92,000 सैलरी है, ग्रेड पे 12,100 है। उसके बाद अप्लाई करने का तरीका भी आप देख सकते हैं। APDCL की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है जो कि यहाँ पर दी हुई है APDCL.org। इस पर विजिट करने के बाद आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कैरियर सेक्शन में जाना है आपको, वहीं पर आप 5/9/2018 से 25/9 तक अप्लाई कर सकते हैं। सभी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं कि कैसे अप्लाई करना है, पूरे इंस्ट्रक्शंस आपको वहीं पर मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इस पेज पर नीचे जाने के बाद जैसे ही आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की टैब पर क्लिक करोगे तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी, अप्लाई के इंस्ट्रक्शंस भी पूरी जानकारी आपको इसी में मिल जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन की टैब पर क्लिक करोगे तो एक कैरियर का पेज ओपन हो जाएगा। यहीं पर आपको 5 तारीख को अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन इस रिक्रूटमेंट से मैच नहीं करती है या आपको ये जॉब पसंद नहीं है तो डेली 4 गवर्नमेंट जॉब्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर विजिट कर सकते हो। इस पेज पर हम डेली 4 जॉब्स अपडेट कराते हैं, आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से किसी भी जॉब को सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। वहीं से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई के लिंक भी मिल जाएंगे।